नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द जेनिथ फाइंडर में। जैसा कि वीडियो के थंबनेल से आपको पता चल गया होगा कि आज हम किस पर बात करने जा रहे हैं, तो आज हम व्यंजन पे डिस्कस करने जा रहे हैं। ये चैप्टर हमारा बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है हमारे परीक्षाओं में, जिसमें इससे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आने के चांस रहते हैं, और वो हमें क्वेश्चन आने के बाद हमें कन्फ्यूजन बस गलत हो जाते हैं। तो आज हम प्रयास करेंगे कि आपके सारे कन्फ्यूजन इस वीडियो में ख़त्म हो जाएं। शुरू से अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि कोई भी पार्ट अगर बीच मिस हो गया तो आपको एग्जाम में दिक्कत कर सकता है। इसमें हम तालाब्य से लेकर काकल्य, तालाब, वर्ष, मूर्धा, दंतोष्ट, कुंठित, प्रकंपित, लोड़ित, ये सब जो दिख रहे हैं अजीब गरीब उच्चारण, इनके नाम अब इनको मैं सब जानने का प्रयास करेंगे आगे वीडियो में चल के। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि व्यंजन क्या होता है। तो स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण हमारे व्यंजन कहलाते हैं। अब स्वर और वर्ण ये क्या होता है, तो इसके लिए हमारी पुरानी इसके पहले की वीडियो, जिसमें हमने स्वर और वर्ण के बारे में अच्छे से बताया हुआ है, पहले आप उनको देखिए, उसके बाद व्यंजन के वीडियो देखिए। अगर देख लिए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप देख सकते हैं। अगर नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको देखिए, उसके बाद आप व्यंजन वाले वीडियो को देखिए। आगे चलते हैं। प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में आ स्वर छुपा हुआ या मिला हुआ होता है। आ के बिना व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं है। इसे अगर हम किसी व्यंजन का उच्चारण करते हैं तो हमें उसमें जो आ ध्वनि होती है वो उसमें छुपी हुई मिलती है। जैसे क का उच्चारण करते हैं तो क उसमें लगता है लास्ट में आ ध्वनि छुपी हुई है। अब क्वेश्चन पूछेगा, समानता है परंपरागत रूप से व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तो वहाँ पे हमारा उत्तर होगा 33। और यदि पूछे हिंदी वर्णमाला में कुल व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, तब वहाँ पे हमारा उत्तर जो है 39 अर्थात 39 होगा। आपको ध्यान देना है यहाँ पे कुल व्यंजन, कुल अगर शब्द लगा हुआ है तो वहाँ पे हमारा आंसर जो है 39 होगा, कुल नहीं लगा हुआ है समानता पूछेगा तो हमारा उत्तर वहाँ पे 33 होगा। अब आता है व्यंजनों के प्रकार, व्यंजन को हमने कैसे कैसे कैटेगरी में बांटे हुए हैं। पहला आता है हमारा स्पर्श व्यंजन। उच्चारण स्थान के आधार पर स्पर्श व्यंजन को कम से कम 5 वर्गों में बांटा गया है। उच्चारण स्थान का मतलब हमारा जो ध्वनि होती है उनके उच्चारण किस किस जगह से होता है, अर्थात कंठ, तालु, मूर्धा, दांत, ओठ, इस आधार पर हमारे जो है व्यंजन है उनको कम से कम 5 वर्गों में बांटा गया है। इसमें से हमारा पहला वर्ग हमारा कंठ वर्ग है, का वर्ग जिसको बोलते हैं, उच्चारण स्थान इसका हमारा कंठ से होता है। इसमें हमारे 5 वर्ण आते हैं, क, ख, ग, घ और अंगा। और दूसरा जो है हमारा वर्ग है चा वर्ग है, इसका उच्चारण हमारा तालु से होता है। और जो है इसमें हमारा च, छ, ज, झ और इयां आता है। तीसरा हमारा है मूर्धा, टा वर्ग बोलते हैं इसको, इसका उच्चारण मूर्धा से होता है, ठ, ठ, ड, ढ और अड़ा इस वर्ग में आते हैं। चौथा हमारा है ता वर्ग, इसका उच्चारण हमारा दांत से होता है, त, थ, द, ध, न। और पांचवा हमारा है पा वर्ग, इसका उच्चारण हमारा ओंठ से होता है, इसमें पा, फ, ब, भ, म। ये हमारे टोटल 25 वर्ण होते हैं, इनको हम लोग स्पर्श व्यंजन बोलते हैं की संख्या। अब प्रश्न पूछे स्पर्श व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है, तो हमारी 25 होती है। और कुछ अन्य व्यंजनों के प्रकार हैं, इसमें से अंतस्थ व्यंजन हमारे 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, य, र, ल और व। उसमें संघर्षी व्यंजन, अभी हम इनके बारे में डिटेल से आगे डिस्कस करेंगे, अभी आप सिर्फ इतना देख जान लीजिए कि ये होते हैं, ये भी 4 होते हैं, स, ह, श, ह। और संयुक्त व्यंजन 6, 13,
ज्ञा और स्रा ये चार होते हैं। उच्छिप्त या द्विगुण व्यंजन तो होते हैं ह और ढ, इनकी संख्या हमारी टोटल 14 हो गई। और ऊपर जो हमारे स्पर्श व्यंजन इनकी संख्या हो गई 25। दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो हमारी संख्या बन जाती है 39। चलिए आगे चलते हैं व्यंजनों का वर्गीकरण। अब क्वेश्चन आता है कि घोषत्व के आधार पर कौन कौन से वर्ण होते हैं। तो घोष का जो अर्थ होता है वो हमारे होता है स्वर तंत्रियों में ध्वनि का कंपन। जब हम कोई ध्वनि निकालते हैं तो जो हमारे स्वर तंत्र होता है उसमें जो कंपन या वाइब्रेशन होता है उस आधार पे, तो उसके आधार पे हमारे व्यंजन के दो प्रकार होते हैं। पहला होता है हमारा अघोर ध्वनियाँ और दूसरी होती है हमारी सघोर ध्वनियाँ। अघोर ध्वनियाँ जिन व्यंजनों के उच्चारण में हमारे स्वर तंत्र में कंपन नहीं होता है, अर्थात जिन ध्वनियों का हम लोग उच्चारण करते हैं तो उसमें वाइब्रेशन नहीं होता है, अघोर ध्वनियाँ कहलाती हैं या घोष व्यंजन कहलाते हैं। हर वर्ग का पहला वर्ण, दूसरा वर्ण एवं श, प, स एवं तीनों सा जो हो गए घोष व्यंजन होते हैं। पहला वर्ग अभी हमने आपको बताया है, हर वर्ग का पहला वर्ण, जैसे आपको बैक चल के दिखा देता हूँ। हर वर्ग जैसे का वर्ग है ये, इसका पहला ये, चावर का पहला ये, टावर का पहला ये, तावर का पहला ये, पावर का पहला ये। हर वर्ग का पहला पूछेगा तो ये, हर वर्ग का दूसरा ये, हर वर्ग का तीसरा ये, हर वर्ग का चौथा जो है ये वाला रहेगा। और आपको एक चीज़ बता दें, यहाँ पे जो ये है अंगा या अड़ा नामा, इसको हम लोग अनुनासिक भी बोलते हैं, इसका उच्चारण लोग नाक से करते हैं। अब आते हैं यहाँ पे हम क्या कहे बोले थे, हर वर्ग का पहला वर्ण क च ट त प और दूसरा वर्ण ख छ ठ थ प एवं तीनों सा। अब यहाँ पे आप देखिए एक 12 लिखा हुआ, इस 12 का मतलब ये हुआ 1 2, अर्थात पहला और दूसरा। हर वर्ग का पहला और दूसरा एवं स ख श हमारे अघोष व्यंजन होते हैं। सघोष व्यंजन क्या होते हैं, जिन व्यंजनों के उच्चारण में हमारे स्वर तंत्र में कंपन होता है तथा जिसमें वाइब्रेशन होता है वे हमारे घोष या सघोष व्यंजन कहलाते हैं। हर वर्ग का तीसरा एवं चौथा और पांचवा तम य र ल व ह सघोष या घोष व्यंजन होते हैं। अर्थात यहाँ पे 345, इसका मतलब ये हुआ तीसरा चौथा और पांचवा और प्लस हमारे छ र ल व ह। अर्थात ध्यान अगर ये दिया जाए कि ऊपर के वर्ण जो हैं इनको छोड़ दिया जाए तो जो अन्य वर्ण हमारे बचते हैं, अन्य व्यंजन बचते हैं, वो हमारे सघोष या घोष व्यंजन कहलाते हैं। अगर हम इतने याद कर लें तो ये इतने याद करने की हमें ज़रूरत ही नहीं रहेगी, तो हम याद कर लें कि 12 या 1 2 12 एवं तीनों सा, 12 और तीनों सा हमारे अघोष व्यंजन होते हैं। उसके बाद जो व्यंजन हमारे बचते हैं वो हमारे सघोष या घोष व्यंजन कहलाते हैं, तो आसानी से आपको याद रहेगा। 12 अर्थात पहला और दूसरा वर्ण, पहला वर्ण हर वर्ग का, दूसरा वर्ण हर वर्ग का एवं तीनों सा हमारे अघोष व्यंजन कहलाते हैं। तो अब इनको याद करने के लिए आ घोष, जैसे इसमें लिखा हुआ है सा, तो आ मतलब नहीं, जिसमें लिखा रहेगा नहीं है सा उसमें हमको सा रखना है। तो आपको तीनों सा और पहला वर्ग और दूसरा वर्ग अर्थात 1 2 12 और तीनों सा ये याद हो जाएगा तो आपको इसमें भूलने का चांस एकदम खत्म हो जाएगा। इनको याद करने के इसमें हमारा तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण हर वर्ग का प्लस यार लावा है।
तो आप ऐसा करिए, सिर्फ इतना याद कर लीजिएगा, इसको चाहे याद करिए चाहे नहीं, हो जाएगा काम। 12 और तीनों सा, 12 तीनों सा, ये हमारे आघोष में आएगा। आ सा लिखा नहीं, आ सा है मतलब, आ सा मतलब इसमें नहीं होना चाहिए लेकिन इसमें रखा जाएगा, इसमें भी रहेगा आघोष तो उसको इसमें रख लेंगे। उसमें सा है तो इसमें हमारा सा नहीं लिखा हुआ है, इसमें नहीं है, उसमें है, जिसमें यहाँ पे लिखा है उसमें नहीं है, तो जिससे आसानी से याद रहेगा। चलिए आगे दूसरे प्रकार में चलते हैं। दूसरा हमारा है प्राणत्व के आधार पर, प्राण अर्थात हवा, ये हवा क्या है कम ज्यादा के प्राणत्व के आधार पर व्यंजन को दो भागों में बांटा गया है। पहला हमारा है अल्प प्राण और दूसरा है महाप्राण। अल्प प्राण मतलब जिन व्यंजनों के उच्चारण में हमें कम हवा की जरूरत पड़ती है उन्हें हम अल्प प्राण कहते हैं। कौन कौन से होते हैं? हर वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ग, अंतस्थ व्यंजन एवं अंतस्थ व्यंजन। हर वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा एवं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन हमारे कौन कौन से होते हैं? यार अलावा, इनको भी हम शुरू में बताए हैं, अभी इनके बारे में डिटेल से हम जानेंगे। ये हमारे अल्पाण होते हैं। महाप्राण कौन से होते हैं? जिन व्यंजनों के उच्चारण में हमें ज्यादा हवा की जरूरत पड़ती है महाप्राण व्यंजन कहलाते हैं। अब इनके अलावा जो व्यंजन हमारे बचते हैं, हर वर्ग का दूसरा, चौथा वर्ण एवं ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन हमारे चार, स ख स ह, महाप्राण होते हैं। ये 135 का मतलब यही हुआ, 1, 3 और 5। यहाँ पे 24 का मतलब 2, 4, दूसरा और चौथा, यहाँ पे पहला, तीसरा और पांचवा। अल्पप्राण इसमें देखा जाए तो विषम है, अल्पप्राण में महाप्राण में हमारे सम, समस्थान पे जो हमारे वर्ण आते हैं। तो इसमें आपको याद करना है कि अल्पप्राण में हमारे अंतस्थ व्यंजन होंगे और हमारे विषम वाले होंगे। विषम और अंतस्थ व्यंजन अल्पप्राण में होंगे, महाप्राण में हमारे सम प्लस स ख स ह ऊष्म व्यंजन। आपको याद रखना है कि अल्पप्राण में हमारे अंतस्थ होते हैं, महाप्राण में हमारे जिसमें हमारे ज्यादा हवा की जरूरत पड़ती है उसमें हमारे ये रहते हैं, क्योंकि इनके उच्चारण में हमें प्रॉब्लम होती है, तो ये हमारे महाप्राण में आ जाएंगे, इनमें हमें उच्चारण करने में ज्यादा हवा लगेगी। यार अलावा इनको हम लोग जल्दी उच्चारण कर देते हैं, तो ये हमारे अल्पाण में आ गए। अब दो में से कोई एक याद कर लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आसान आराम काम चल जाएगा। पहला, तीसरा, पांचवा, एक छोड़ के अल्पाण में आएगा, महाप्राण में हमारे समस्थान पर जितने हैं। चलते हैं आगे। अब हम बात करते हैं अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं, के बारे में थोड़ा डिटेल से जानने का प्रयास करते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों व व्यंजनों के बीच स्थित हो वो हमारे अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। इनका उच्चारण हमारा स्वर एवं व्यंजनों के बीच में होता है, ना तो ये पूरी तरह से स्वर माने जाते हैं ना पूरी तरह व्यंजन। इनकी संख्या चार है, य, र, ल और व। अब इनके बारे में देख लेते हैं, इनका उच्चारण स्थान कैसे होता है। तो जो हमारा यह होता है ये हमारा तालव्य होता है, वर्ग तालव्य वर्ग का व्यंजन होता है और इसका उच्चारण हमारा तालु से होता है। रा जो है ये हमारा वर्ष वर्ग का व्यंजन है, इसका उच्चारण हमारा दंत मूल या मसूड़ा से। एग्जाम में ज़्यादातर दंत मूल न लिख के दांत लिख देता है। और ला हमारा, इसका भी उच्चारण हम लोग का वर्ष और दंतमूल या मसूड़ा से होता है। वा का उच्चारण हमारा दंतोष्ठ अर्थात दांत और ओष्ठ दोनों के मिलने से हमारा वा का उच्चारण होता है। अब दांत का जो है ऊपर का दांत प्लस निचला हिस्सा होंठ का दोनों को मिलने से हमारा वा का उच्चारण होता है। अब ये चार जो होते हैं सघोष भी होते हैं और अल्प प्राण भी होते हैं, अर्थात इनके उच्चारण में हमें कम वायु की जरूरत होती है। यार अलावा आसानी से हम लोग उच्चारण कर लेते हैं और इनके उच्चारण में ध्वनि में कंपन होता है।
सघोष का मतलब कंपन, वाइब्रेशन, अर्थात यरल व जो हमारे अंतस्थ व्यंजन है, ये सघोष भी होते हैं और अल्पप्राण भी होते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलते कुछ नोट पॉइंट पे। जो हमारे या और वा व्यंजन हैं, इनको हम लोग अर्ध स्वर भी बोलते हैं, अर्थात ध्वनि जो कभी स्वर हो कभी व्यंजन, उन्हें अर्ध स्वर कहते हैं। पेपर में पूछ लेता है कि अर्ध स्वर व्यंजन को ध्वनियाँ कौन सी हैं, तो या और वा जो होते हैं ये हमारे अर्ध स्वर होते हैं, और रा जो होता है इसे लुंठित, प्रकंपित, लोढ़ित, तीन में से कोई एक शब्द पूछ सकता है पेपर में। लुंठित वर्ण कौन सा है, लुंठित व्यंजन कौन सा है, प्रकंपित व्यंजन कौन सा है, लोढ़ित, जिनके उच्चारण में जीभ तालु से लुढ़क कर स्पर्श करे वो हमारे लुंठित या प्रकंपित या लोढ़ित व्यंजन होते हैं। रा लुढ़क कर स्पर्श करती है। और अगला हमारा है ला, इसको हम लोग पार्श्विक व्यंजन बोलते हैं, जिसके उच्चारण में हवा जीभ के पार्श अर्थात सामने या बगल से निकले वो हमारा ला जो है वो पार्श्विक व्यंजन कहलाता है। को जो है आप ध्यान में रखिएगा, ला हमारा पार्श्विक है, रा हमारा, रा को तीन नाम दिए गए हैं, लुंठित, प्रकंपित, लोढ़ित, या और वा, ये ध्वनियां जो हमारी अर्ध स्वर है। आप हमारी वेबसाइट thejenithfinder.com इस पे जाकर लेख पढ़ सकते हैं, वहाँ पे आपको सारी नोट्स, पीडीएफ सब कुछ मिल जाएगी। गूगल पे सिर्फ टाइप करना है द जेनिथ फाइंडर, खुलेगा पहला पेज, पहली नंबर पे हमारी वेबसाइट आ जाएगी, वहाँ पे आप जाके जो भी पढ़ना हो, हर सब्जेक्ट का वहाँ पे कैटेगरी वाइज डिटेल दिया गया है, आप वहाँ पे सब पढ़ सकते हैं। अब आता है उष्ण संघर्षी या संघर्षी व्यंजन, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु मुख में किसी स्थान विशेष पर घर्षण या रगड़ खाकर निकले और उष्मा या गर्मी पैदा करे उसे हमें उष्ण व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या चार है, इनको भी हम लोग पीछे देखे हुए हैं, स ख श ख। अब इनके उच्चारण के बारे में जान लेते हैं हम लोग। जो हमारा स होता है इसका उच्चारण तालव्य अर्थात तालु से होता है, ये तालव्य वर्ग का होता है, और जो खटकोण वाला सा होता है इसका उच्चारण लोग मूर्धन्य अर्थात मूर्धा से करते हैं, और सा जो होता है इसका उच्चारण हम लोग वर्त या दंतमूल, दंतमूल या मसूढ़ा। पेपर में आता है तो ज़्यादातर केस में दांत लिखा रहता है, कि भी एग्जाम में आया था इसा और ला का उच्चारण कहाँ से होता है, तो उसका वहाँ पर आंसर जो है सिर्फ दांत था, दंत। और इसमें हा जो होता है हमें स्वर यंत्री वर्ग का होता है, इसका उच्चारण हमारा स्वर यंत्र से होता है जो हमारे कंठ के भीतर स्थित होता है। अब ऊपर के जो तीनों सा होते हैं इन्हें अघोष अर्थात जिनके उच्चारण में कंपन ना हो, अघोष और महाप्राण जिनके उच्चारण में हमें ज्यादा हवा की जरूरत पड़ती है वो महाप्राण कहलाते हैं। ऊपर के तीन व्यंजन हमारे अघोष और महाप्राण होते हैं। हा जो होता है वो हमारा सघोष होता है अर्थात इसके उच्चारण में कंपन होता है, और ये महाप्राण होता है इसके उच्चारण में हमें ज्यादा वायु की जरूरत पड़ती है। और एक नोट पॉइंट है, हा को जो है हम लोग स्वरतंत्र, स्वर यंत्र या काकल्य व्यंजन भी बोलते हैं। प्रश्न में आएगा कि काकल्य व्यंजन कौन सा है, इनमें से अगर ऊपर के चार दे दिया चार वर्ण तो उसमें से हा हमारा काकल्य व्यंजन होता है। और कुछ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमारा स्पर्श संघर्षी, वैसे तो जल्दी से पूछा नहीं जाता लेकिन अगर कभी पूछ लिया तो हमारा जो चा वर्ग होता है च छ ज झ इया, ये हमारे स्पर्श संघर्षी व्यंजन होते हैं। आगे चलते हैं संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं। संयुक्त व्यंजनों की संख्या चार होती है, जो दो व्यंजनों से मिलकर बने होते हैं, संयुक्त से लग ही रहा है, दो व्यंजनों से मिलकर बने होते हैं,
इसमें से हमारा पहला व्यंजन आधा होता है और दूसरा व्यंजन पूरा होता है। जैसे एक हमारा हो गया छ, इसमें का हमारा आधा होता है और सा जो होता है वो पूरा होता है। दूसरा हो गया हमारा त्रा, इसमें ता हमारा आधा होता है और रा पूरा होता है। तीसरा हमारा गया है, ये हमारा ज प्लस इया से मिलकर बना होता है, ज हमारा आधा होता है, यह पूरा होता है। असरा में आधा सा प्लस र होता है। इससे क्वेश्चन हमारा जैसे आ जाता है उसमें कि डिक्शनरी के हिसाब से अगर हमको वर्ण ढूंढना है या दे दिया कि इसमें कौन सा पहले आएगा कौन सा बाद में आएगा, तो जो छ छत्री होता है वो हमारा का के बाद, छ है ये हमारा का के बाद ही आता है, इसको ये मत समझिए कि लास्ट में आएगा, क्योंकि इसका जो है जब इसको लिखते हैं तो पहले हम लोग का लिखते हैं उसके बाद सा लिखते हैं तब ये तैयार होता है। इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। अब अगला हमारा है उच्छिप्त या द्विगुण व्यंजन, जिनके उच्चारण में जीभ पहले ऊपर उठकर मूर्धा को स्पर्श करे और फिर झटके के साथ नीचे आए, वो हमारे उच्छिप्त या द्विगुण व्यंजन कहलाते हैं। उच्छिप्त या द्विगुण व्यंजनों की संख्या दो है। पहला हमारा है ड़ा, ये जो डा होता है दिखता वैसे है इसमें, लेकिन नीचे जो है बिंदु लगी होती है, उस बिंदु को हम लोग नुक्ता बोलते हैं। इसका प्रयोग लेखन में किया जाता है। तो ड़ा हो गया, ये हमारा मूर्धन्य है अर्थात इसका उच्चारण मूर्धा से होता है। सघोष है अर्थात इसके उच्चारण में कंपन उत्पन्न होता है। अल्प प्राण है अर्थात इसके उच्चारण में हमें कम वायु की आवश्यकता होती है। दूसरा हमारा है ढ, इसका उच्चारण भी मूर्धा से होता है और सघोष होता है, लेकिन ये महाप्राण होता है, इसके उच्चारण में हमें ज्यादा हवा की जरूरत पड़ती है। दोनों का उच्चारण स्थान मूर्धा है। अगर दे दिया जाए कि इनका उच्चारण स्थान कहाँ से है, तो इनका उच्चारण स्थान मूर्धा से है। अगला आता है हमारा अयोगवा, अर्थात ये ना तो स्वर की श्रेणी में आते हैं और ना व्यंजन की श्रेणी में आते हैं, इन्हें स्वर और व्यंजन के बीच की कड़ी कहा जाता है, इसलिए इन्हें अलग श्रेणी में रखा गया है जिसे अयोगवाह कहते हैं। इनकी संख्या दो है। अंग एवं आहा, अंग जो होता है हमारा उसको हम अनुसार कहते हैं और आहा जो होता है उसको हम विसर कहते हैं। अगर पूछेगा अयोगवाह तो उनकी संख्या दो होगी, इसमें से एक अंग उसको अनुसार कहते हैं और आहा जिसको विसर कहते हैं। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और है, द्वित्व व्यंजन, जब दो समान व्यंजन एक आधा और एक पूरा एक साथ आए तो इसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जैसे दिल्ली, इसमें पहले एक ला आधा आया फिर पूरा आया तो इसे हम द्वित्व व्यंजन कहते हैं। उज्जैन, कलकत्ता, त फिर ता, ध्यान में रखिएगा, एक आधा फिर एक पूरा है तो द्वित्व व्यंजन। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।